आपका हमारे YouTube चैनल एस पी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है आज हम आपको एन सी आर टी क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स समाकलन कराने जा रहे हैं खंड से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आपको दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई आपको गिवेन होगी उनका इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स तो इन दोनों फंक्शनों की मल्टीप्लाई का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका पहला फंक्शन आपका एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्सन और जो बन के आएगा पूरे का इंटीग्रेशन तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है पहला फंक्शन आपका जो का तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और जो बन के आएगा पूरे का समाकलन तो ये चैप्टर करने से पहले आपको आईलेट की जानकारी होना बहुत जरूरी है इसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मानना है देखिए क्या होता है आईलेट आईलेट में आई होता है आपका इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स टेनवर्स इस एक प्रकार के जो फंक्शन होते हैं आपके इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं एल का मतलब होता है आपका लोग्रेथमिक फंक्शन लोग एक्स ई टी सी जिनमें लोग एक्स आता है इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनको लॉगरेथमिक फंक्शन कहते हैं एलजैब्रिक फंक्शन पोलिनोमेल वगैरह जो होते हैं आपके एलजैब्रिक फंक्शन में आते हैं बहुपद तो एल्जैब्रिक फंक्शन किस प्रकार के होते हैं एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स प्लस वन इस प्रकार से आपको कोई पोलिनोमेल की होगा उसको एलजैब्रिक फंक्शन कहते हैं टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन टेन एक्स साइन एक्स कोर्ट एक्स इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं आपके टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के एक्स ए के एक्स ई टी सी इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते तो इनके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मानना है मान लीजिए आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और टिक्नोमैटिकल है तो आपको लोग वाले को फर्स्ट फंक्शन मान मानना है और टिक्नोमेटिकल को दूसरा फंक्शन मानना है तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है देखिए पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स तो देखिए यहाँ पर एक्स आपका एल्जेब्रिक है और साइन एक्स क्या है आपका टिक्नोमेटिकल तो आपको क्या करना है एलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानना है टिक्नोमैटिकल टी के बाद आता है ए के बाद टी आता है तो टी को सेकंड फंक्शन तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला आपके सामने है पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का उपकरण दूसरे का समाकलन और जो बन का आएगा पूरे का कीजिए तो पहला फंक्शन आपका एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स और जो बन के आएगा पूरे का समाकलन कीजिए साइन का क्या हो जाएगा समाकलन माइनस कोस एक्स एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन वन और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स डी एक्स इसके बाद देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस का होता है आपका साइन एक्स प्लस सी तो यह आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर यह आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एलजेबरिक और टेक्नोमेटिकली सेकेंड फंक्शन हो जाएगा तो कीजिए पहला फंक्शन आपका जो का तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स और जो बनकर आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन कीजिए साइन का हो जाएगा माइनस कोस थ्री एक्स और जो एक्स की मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में एक्स का हो जाएगा वन कोस का हो जाएगा आपका माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कोस थ्री एक्स और थ्री आ जाएगा आपका अपोन में तो क्या हो जाएगा ये एक्स अपोन थ्री कोस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस कोस का हो जाएगा साइन थ्री एक्स तीन पहले से तीन और नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन थ्री कोस थ्री एक्स और ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन नाइन प्लस सी तो ये आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री एक्स स्क्वेर ईके एक्स टी एक्स देखिए यहाँ पर एल जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है तो इसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकेंड फंक्शन मानना है कीजिए क्या हो जाएगा है? पहला फंक्शन आपका एज इट इज ई e के एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स की टू ई e के एक्स डी एक्स और जो बनकर आएगा पूरे का समाकलन देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई e के एक्स का आपका जो इंटीग्रेशन होता है ई e के एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स और मल्टीप्लाई में आ जाएगी एक कम हो जाएगी और ई e के एक्स का होता है आपका ए e के एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर ई की एक्स दो आपका इट इज इसमें बार ऐसे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड तो क्या हो जाएगा कीजिए आपका एक्स इज e की एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की एक्स डी एक्स और जो कराएगा पूरे का इंटीग्रेशन कीजिए e की एक्स स्क्वायर ई के एक्स टू इंटू एक्स ई के एक्स का आपका ए e के एक्स हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा और e के एक्स का हो जाएगा ए e के एक्स और जो बन कराया पूरे का इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर ई की एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए टू की टू एक्स e के एक्स ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई e के एक्स का होता है आपका ए e के एक्स प्लस सी तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें से आप ए e के एक्स कॉमन भी ले सकते हो ई e के एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू प्लस सी चाहे तो यहाँ पर छोड़ दीजिए या तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर दीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री था क्वेश्चन नंबर फोर देखिए एक्स लोग एक्स इस फंक्शन का आपको जो है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो यहाँ पर एल जेबरिक है और लोगरथमिक है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका ये सेकंड एल पहले आता है आपका ये बाद में आता है तो लोग एक्स एज इट इज एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ लोग एक्स एक्स डी एक्स और जो बन आएगा पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा लोग एक्स एक्स का हो जाएगा आपका एक्स के टू अपॉन टू और लोग एक्स का आकलन कीजिए वन अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स यहाँ पर एक्स वन पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉइन्ट टू लॉग एक्स तो यहाँ पर एक्स बच चुका एक्स का कीजिए तो एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की टू अपॉन टू और में एक ऐड हो जाएगा उससे डिवाइड प्लस सी तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर फोर लिख दीजिए वन बाई फोर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपको इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए सिक्स में आपको गिवेन है स्क्वेर। एक्स स्क्वेर लॉग एक्स डी एक्स यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए इसको सेकंड लोग्रथमिक एलजेब्रिक तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कीजिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की टू डी एक्स और जो बनकर आएगा पूरे का लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका एक्स की थ्री अप्री माइनस लोग एक्स का कीजिए अवकलन वन अपोन एक्स और इसको आ जाएगा एक्स की थ्री अपॉन थ्री समाकलन डी एक्स यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी टू बच जाएगी तो यह आ जाएगा एक्स की थ्री अपॉन थ्री लोग एक्स माइनस यहाँ पर टू पावर बच चुकी इसका कीजिए इंटीग्रेशन एक्स की थ्री और थ्री पहले से प्लस सी और मैं एक ऐड हो जाएगा उससे डिवाइड ये तीन यहाँ पर पहले से तो क्या हो जाएगा एक्स के थ्री पॉइंट थ्री लोग एक्स माइनस एक्स के थ्री पॉइंट नाइन प्लस सी तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का